तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हनुमान जी के श्रद्धालुओं की भक्तगणों की जो है मनोकामना पूर्ण होती है, कार्य इनके सिद्ध हो जाते हैं, तो इनके मंदिर में जो हनुमान जी की गाड़ी रखी हुई है इनकी पूजा करते हैं, इनके श्रद्धालु जो मुख्य पूजा स्थल बैंगटीम के मंदिर में जो है रखी हुई है इस गाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम मौन करेंगे। देखिए इसकी व्याख्या क्या है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है अगर तो ये व्याख्या आपको देखनी होगी, एक्सप्लेनेशन। इस गाड़ी में वे अपंग गायों के लिए चारा भरकर लाते थे, कौन? हड़बू जी। ये जो गाड़ी रखी हुई है इनके मंदिर में, हड़बू जी की गाड़ी, इस गाड़ी में वे जो है अपंग जो गायें हैं जिनके हाथ जो है पैर जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, फिर पैर जो है अपंग हैं, तो ऐसी गायों के लिए उसी गाड़ी में जो वो चारा भरकर लाते थे हड़बू जी, और वो गाड़ी रखी हुई है इनके मंदिर जो मैं बैंगटी स्थल है ना उसके मंदिर के अंदर रखी हुई है। जब इनके श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है या फिर इनके श्रद्धालुओं के कार्य सिद्ध होते हैं तो भक्तगण या श्रद्धालु जो है इस गाड़ी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हम मौन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मल्लिनाथ जी की। देखिए हमने हड़बू जी को डिस्कस किया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, अदरवाइज कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन जो है पुटअप हुए हैं। देखिए मल्लिनाथ जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ जन्मे थे। मल्लिनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मारवाड़ में। मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। ये भी प्रमुख लोक देवता हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है, मल्लिनाथ जी के माता पिता थे, कौन थे मल्लिनाथ जी के माता पिता? आंसर होगा पिता का नाम था, मल्लिनाथ जी के पिता थे राव तीड़ा और इनको सलखा जी भी कहा जाता था, और इनकी माता का नाम थे जानी दे। मल्लिनाथ जी के माता का नाम जानी दे, पिताजी का नाम राव तीड़ा जी, सलखा जी। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, मल्लिनाथ जी लोक देवता जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आंसर होगा तिलवाड़ा, जो बाड़मेर में है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में जो है मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट हम मौन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मेला कब भरता है, कब कब मेला भरता है मल्लिनाथ जी का? आंसर होगा प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा द्वादशी से, सॉरी प्रतिवर्ष जो है चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, मतलब एक महीना हो गया, हर वर्ष बढ़ता है इनका मल्लिनाथ जी का मेला। कब से कब तक? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, मतलब एक महीने तक, जब तक कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है चैत्र की, उससे लेकर चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये मेला बढ़ता है मल्लिनाथ जी का, और हर वर्ष ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। देखिए बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है इस मालानी क्षेत्र का नाम जो है कौन से लोक देवता के क्षेत्र नाम पर रखा गया है? मल्लिनाथ जी। आंसर होगा मल्लिनाथ जी। और कौन से क्षेत्र का नाम? बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम लोक देवता मल्लिनाथ जी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। देखिए मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर कहाँ स्थित है, मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मालाजाल गांव में, तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मालाजाल गांव में जो है मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर है। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। मल्लिनाथ जी के डिस्कस करने के बाद हम अब डिस्कस करेंगे मांगलिया मेहा जी। देखिए राजस्थान के किस लोक देवता का मेला जो है कृष्ण जन्माष्टमी मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनका मेला जो है कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, उसी दिन किस लोक देवता का मेला भरता है? आंसर होगा मेहा जी मांगलिया या मांगलिया मेहा जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी इन द सेंस भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरते हैं, और इसे मांगलिया अष्टमी भी कहते हैं, इनके भक्त जो हैं मांगलिया राजपूत जो हैं मांगलिया अष्टमी कहते हैं इसी कृष्ण जन्माष्टमी को। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहा जी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ है? आंसर होगा बापनी जोधपुर, बापनी जो है जोधपुर में है।
और मेहा जी मांगलिया का यह जो है बापनी में प्रमुख मंदिर है। बापनी कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। और अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो बेंगटी गांव है जो फलोदी में है और फलोदी जोधपुर में है, वहाँ पे कौन किसका मंदिर है? हड़बू जी का। और बापनी जो है ये बापनी में मेहा जी मांगलिया का प्रमुख मंदिर है। बापनी भी जोधपुर के अंदर है। और अभी हमने डिस्कस किया कि मल्लिनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। देवनारायण जी की बात हमने की तो भीलवाड़ा के आसिंद में जो है इनका प्रमुख स्थल है देवनारायण जी का। देखिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम। मेहा जी मांगलिया का सॉरी मेहा जी मांगलिया के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? आंसर होगा केरड़ काबरा। मांगलिया मेहा जी या मेहा जी मांगलिया के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो आंसर होगा किरण काबरा। किरण काबरा काबरा जो है ये घोड़े का नाम है। और किनके कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम है? तो आंसर होगा मांगलिया मेहा जी या मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम है, प्रिय घोड़ा था इनका किरण काबरा। नेक्स्ट हम मौन करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनकी सवारी की या प्रिय पशु की या प्रिय घोड़े या घोड़ी की, तो देखिए हमने बात की थी गोगा जी का जो गोगा जी की घोड़ी थी ये नीली घोड़ी थी जिसको गोगा बप्पा भी कहा जाता है। रामदेव जी का घोड़े का नाम था लीला। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन जिसको सिंगारी कहा जाता है। बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। मांगलिया मेहा जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनके घोड़े का नाम अभी हमने डिस्कस किया किरण काबरा। हड़बू जी के सवारी जो मानी जाती है सियार मानी जाती है। देव बाबा के लिए भैंसा या पाड़ा जो है इनका पशु माना जाता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर जो अभी हमने कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया। तो इस तरह से जो है कुछ प्रमुख लोक देवता के वाहन जो हमने डिस्कस किए हैं, इसी श्रेणी में हमने मेहा जी मांगलिया का जो प्रिय घोड़ा था इसका नाम डिस्कस किया जिसका क्या नाम है? किरण काबरा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए मेहा जी मांगलिया का जन्म हुआ था कब हुआ था? सॉरी मांगलिया मेहा जी का जन्म हुआ था पंवार क्षत्रिय परिवार में। कौन किस परिवार में जो है ये जन्मे थे मांगलिया मेहा जी? आंसर होगा पंवार क्षत्रिय परिवार में मांगलिया मेहा जी का जन्म हुआ था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि किस लोक देवता या किस देवता के जो है याद में जो है धुलंडी मनाई जाती है जो होली के दूसरे दिन आती है। होली आती है चैत्र जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और जो सॉरी फाल्गुन की पूर्णिमा को धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो धुलंडी इलोजी जो देवता हैं इलोजी लोक देवता हैं इनकी याद में मनाई जाती है ये मान्यता है। और जो हैं कुछ लोक देवता हैं और उनके मुख्य पूजा स्थल जो हम ये अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किए हैं। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद जो भीलवाड़ा में है। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल जो बेंगटी गांव में है फलोदी में और फलोदी जोधपुर में है। मांगलिया मेहा जी का प्रमुख पूजा स्थल बापणी में है, बापणी जोधपुर में है। और मल्लिनाथ जी जो देवता हैं लोक देवता इनका जो मुख्य पूजा स्थल है ये बाड़मेर में बाड़मेर के तिलवाड़ा में है। तो इस तरह से कुछ मुख्य लोक देवता हैं और उनके पूजा स्थल हैं। इसी श्रृंखला में जो है जाखड़ जाट समाज के कुल देवता वीर बग्गा जी को माना जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था जब उस समय हमीर देव चौहान जो है शासक थे रणथंभौर के, तो उसी साल 1301 ईस्वी में ही वीर बग्गा जी का जन्म हुआ था। और ये वीर बग्गा जी जो हैं जाट जाकर समाज जाट या जाकर समाज के कुल देवता माने जाते हैं। और राजस्थान के एक लोक देवता हैं जो जिनका नाम है तलेनाथ जी। तलेनाथ जी को जो है राजस्थान में जो है प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में? प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में तलेनाथ जी को पूजा जाता है। और तलेनाथ जी राव चूड़ा के भाई थे। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि मांगलिया मेहा जी जो हैं इनके भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती। बहुत इम्पोर्टेंट है विशेष नोट है कि मांगलिया मेहा जी के भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती। और ये जो हैं वे मांगलिया मेहा जी के भोपे जो हैं गोद लेकर ही पीढ़ी आगे चलाते हैं। और मांगलिया मेहा जी के बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, जो इनके पुजारे होते हैं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती। और मांगलिया मेहा जी का जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनका प्रिय घोड़ा जो है किरण का